सुपर पावर पर हुक्मरानी की जंग, जो बाइडन और ट्रंप में कांटे का मुकाबला। अमरीकी सदारती इलेक्शन में वोटों की गिनती जारी। मिशिगन, विस्कॉन्सिन और न्यूयॉर्क में जो बाइडन आगे। पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और अलास्का में ट्रंप को बढ़तरी। सदारती उम्मीदवार को फतह के लिए 270 इलेक्ट्रॉनल वोट दरकार। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन में घुमसान का रन। सदारती इलेक्शन में कहीं ट्रंप का राज और कहीं अमरीकियों का जो बाइडन पर भरपूर एतमाद। पूरी दुनिया को नए अमरीकी सदर के नाम का इंतजार। डोनाल्ड ट्रंप का जीत का दावा, साथ ही इंतखाबात में फ्रॉड का इल्जाम लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट जाने की भी धमकी। कहा वो जीत रहे थे कि अचानक रिजल्ट बदलने शुरू हो गए। जो बाइडन अपनी जीत के लिए इंतहाई पर उम्मीद। कहते हैं आखिरी वोट की गिनती तक मुकाबला खत्म नहीं होगा। अमरीकी इंतखाबात में तीन मुसलमान खवातीन भी जीत गईं। राशिदा तलीब और इल्हान उमर डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर रुकन कांग्रेस बन गईं। फलस्तीनी नयाद खातून ईमान जोजे रुकन कांग्रेस मुंतखब। दो ख्वाजा सरा भी सेनेटर बन गए। जस्टिस सियाया आफरीदी, जस्टिस मकबूल बाकिर और जस्टिस मंसूर अली शाह यक जुबान। जस्टिस काजी फायज ईसा पर रेफरेंस बदनीयती पर मबनी था। हुकूमत ने गैर कानूनी तरीके से हटाने की कोशिश की। सदर ने समरी भेजने से पहले दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। जस्टिस मकबूल बाकिर और जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट। शहजाद अकबर और ARU के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। आज़म आज इत्तेहादी जमातों को जोहराना देंगे। जोहराने में ऑपोजिशन की तहरीक से निमटने के लिए मुशावरत होगी। इमरान खान मौजूदा सियासी सूरतेहाल पर इत्तेहादियों का एतमाद मिलेंगे। PTI ने जमहूरी एहतजाज का हर रास्ता बंद कर दिया। आवाम को तारीखी गुर्बत और महंगाई का सामना है। लोगों से रोजगार छीना जा रहा है। गिलगित को PTI की नाइंसाफी से बचाना है। बिलावल भुट्टो का स्टूर में जलसे से खिताब। आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर्स, रावलपिंडी का दौरा। LOC की ताजा सूरतेहाल पर तफसीली ब्रीफिंग। जनरल कमर जावेद बाजवा का तरक्याती कामों की रफ्तार पर इजहार इत्मीनान। आर्मी चीफ ने कहा पाक फौज LOC के साथ साथ आबादी की सिक्योरिटी यकीनी बनाएगी। अवाम 66 रोज से अपना सबसे पसंदीदा चैनल और हकायक पर मबनी खबरें देखने से महरूम। सहाफी 24 न्यूज की बंदिश पर फट पड़े। सियासी रहनुमाओं और उलमाए कराम का भी 24 न्यूज बहाल करने का मुतालबा। एक और शोबिज स्टार FVR के शिकंजे में आ गया। गुलकार आतिफ असलम पर 5,80,00,000 रुपए इनकम टैक्स आयद। आतिफ असलम ने दुबई में अपने फ्लैट्स गोशवारों में जाहिर नहीं किए थे। सुरों के सुल्तान उस्ताद राहत फतेह अली खान ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। राहत फतेह अली खान के YouTube पर 50,00,000 सब्सक्राइबर्स हो गए।